नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी के बारे में। एकादशी के लिए हर बार मैं कोई ना कोई आपको उपाय ज़रूर से बताती हूँ, तो आज भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो सबके मन में ये सवाल होगा कि ये सितंबर 2022 में जो एकादशी आ रही है वो 6 तारीख को आ रही है या 7 तारीख को आ रही है। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी एकादशी 2 दिन की होती है तो ऐसे में जो वैष्णव होते हैं वो दूसरे दिन की एकादशी को मानते हैं, तो यानी कि 7 तारीख को एकादशी को आपको मानना होगा। अब एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं? जो एक्चुअल व्रत रखने का तरीका होता है वो एकादशी से एक दिन पहले शुरू हो जाता है, यानी कि दशमी वाला जो दिन होता है, ग्यारस बोलते हैं एकादशी वाले दिन को, ठीक है। तो जो दशमी होता है, एक दिन पहले सांझ होने के बाद कुछ भी नहीं खाना होता है। वो पानी पी सकते हैं, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं, ठीक है, एक दिन पहले। यानी कि जो भी आपको डिनर कर लेना है वो आपको सनसेट के पहले कर लेना है, ये एकादशी से पहले। बाद में आपको क्या करना है, जब सनसेट हो जाए उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। जब दूसरे दिन 7 तारीख को जब एकादशी का व्रत शुरू होगा, तब आप पूरे दिन में चाहे तो पानी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, कोई भी फल आप खा सकते हैं, या अगर आपसे नहीं हो सकता तो फलाहार पे भी आप रह सकते हैं। अगर ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप 2 वक्त का, जैसे आप खाना खाते हैं वैसे आप खाना खाएं, लेकिन सात्विक भोजन खाएं, यानी कि बिना प्याज और लहसुन के। ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिनको हेल्थ इश्यूज़ है। अब इससे क्या होगा कि जब आप लिमिटेड खाते हैं तो इससे आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होता चला जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ये प्रूवन भी है कि जब भी एकादशी का व्रत आप रखते हैं या एकादशी वाले दिन आप हल्का खाना खाते हैं, और ये हर एकादशी पर जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो अच्छा होता चला जा रहा है और जो आपके इश्यूज़ है वो कम होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आपको मेंटल कुछ इम्बैलेंस है या आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़े आप हो जाते हैं, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो एकादशी का जो व्रत है या उस दिन हल्का खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ साथ उस दिन आप अवॉइड करें कि किसी की निंदा नहीं करनी है आपको, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। यहाँ तक कि मैं कहूँगी किसी के लिए बुरा सुनना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आपके आगे कोई बुराई करा तो तुरंत के तुरंत वहां से हट जाइए, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं है आपके लिए। ओवरऑल मैं बता रही हूं, ये तो हालांकि एकादशी वाले दिन है, वैसे भी अगर आप अवॉइड कर सकते तो जितना हो सके अवॉइड करें। इसमें आप देखेंगे कि आपकी ही भलाई होगी, धीरे धीरे आप इसका वाकई में परिवर्तन अपने जीवन में देख पाएंगे। इस दिन आप जितना कम बोले ना उतना अच्छा है, बस जितना काम है ना उतना ही आप बात कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ भी यहां पर बात नहीं कीजिए। मौन जितना धारण करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आज की जो एकादशी उसका नाम है परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी एकादशी ये नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी जो ये पीरियड चल रहा है इसमें विष्णु भगवान सोए हुए हैं, तो आज के दिन ऐसा माना जाता है कि वो करवट बदलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है परिवर्तनी। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने लाइफ में कुछ चेंज देखना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, तो भी आप इस दिन से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी उपाय भी अगर आप आज के दिन करते हैं ये मानते हुए कि अब मेरे लाइफ में खुशियाँ आ जाएँ, अब मेरे लाइफ में परिवर्तन आ जाए, तो भी वो उपाय बहुत अच्छे से काम करेंगे। आप चाहें तो कोई भी मेरे एकादशी के उपाय कर सकते हैं, लेकिन आज भी इस वीडियो में मैं खास आपको उपाय बताऊंगी। आज के दिन ये भी माना जाता है कि विष्णु भगवान ने वामन रूप यहाँ पर लिया था, और ऐसे में जब आप कोई भी मनोकामना यहाँ पे दिल से करते हैं और ये व्रत रखते हैं तो बहुत ही जल्द आप अपने जीवन में परिवर्तन देखते हैं। सही कर्म रखते हुए अगर आप विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो परिवर्तन ज़रूर आपके जीवन में आएगा ही आएगा। आज के दिन आपको चावल एकदम अवॉइड करने चाहिए। वो क्यों करने चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि चावल एकादशी वाले दिन आपको क्यों नहीं खाने चाहिए, तो वो भी वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। आप जाके सर्च करें एकादशी चावल इंदू जी, बस इतना लिख लीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जितना हो सके मन में आप मंत्र जाप करते रहें। यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या जब भी आपको लगे कि आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं ना, तब आप मन में मंत्र जाप करें। अब जो बेस्ट मंत्र आप होता है वो मैं आपको बताती हूँ, मंत्र कौन सा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये मन में आप बोलते चले जाएं। अगर आपसे नहीं बोला जाता कोई बात नहीं, आप ईयरफोन में लगा के मंत्र सुन सकते हैं, आप घर में मंत्र चला के रखें। अब घर में मंत्र चलाने से क्या होगा, आपके जो घर के वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हल्का सा सॉफ्ट
ये मंत्र आप चलाते रहे ताकि वो कान को इरिटेट भी नहीं करे, आप किसी से बातें भी कर पाए और बस पीछे बैकग्राउंड में ये मंत्र चलता रहे। या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी देखिए बहुत सारे आते हैं, तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी कोई भी मंत्र का चला के रख सकते हैं, हल्का हल्का वो पीछे चलता रहे। इससे घर की एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और ऑटोमेटिक सबका जो मूड है वो भी बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही उपाय। उपाय में आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल यानी कि थोड़ा सा पानी, कोई भी आप पानी ले सकते हैं अपने राइट हैंड में, यानी कि सीधे हाथ में थोड़ा सा वो पानी आप पकड़ ले, मामूली सा, हार्डली आधा चम्मच या एक चम्मच जितना पानी आपको अपने हाथों में लेना है। ये पूरे दिन में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब पानी को देखते हुए आपको ये मनोकामना बोलनी है, यानी कि कोई भी एक इच्छा के लिए अगर आप ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा। मान लो कि आपकी 3 या 4 इच्छा है, तो एट प्रेजेंट अर्जेंट में आप कौन सी इच्छा चाहते हैं कि वो आपकी पूरी हो जाए, तो वो प्रेजेंट टेंस में पूरी हो चुकी है। यानी कि मान लो कि आप चाहते हैं कि आपको नया बिजनेस आपकी शुरू हो जाए, तो आपको बोलना है मेरा नया बिजनेस शुरू हो चुका है, मैं पूरी तरह से उसमें सक्सेसफुल हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया। या मेरा रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा हो चुका है, या मेरे बच्चे अब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी रिजल्ट बहुत अच्छी आ रही है, ऐसे पानी में देख के आपको ये बोलना है। बाद में ये पानी आपके घर में जो भी पौधा होगा या पेड़ होगा ना, उस पे पत्तों पे आपको ये छिड़क देना है, बस ऐसे करके आप छिड़क दीजिए। अब इनकेस आपके घर में कोई भी पौधा नहीं है तो आप खिड़की के बाहर इसको छिड़क सकते हैं, मामूली सा है तो किसी पे ऐसे गिरेगा नहीं, साइड में बस ऐसा थोड़ा सा ना पानी आप खिड़की के बाहर छिड़क दीजिए। लेकिन बेस्ट होगा कि आप किसी पत्ते पे अगर छिड़केंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये पॉसिबल हो तो घर के बाहर भी जाके इस रेमेडी को कर सकते हैं, यानी कि आप बोतल में पानी लेके जाओ, उसमें से थोड़ा पानी आप किसी भी पेड़ के आगे ये इच्छा बोल के उसकी जड़ों में या पत्तों में आप ये डाल के आ सकते हैं। कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस उपाय को एक बार आप विश्वास के साथ कीजिएगा, इससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है। जो आज मैंने आपको उपाय बताया, एक बार करके तो ज़रूर देखिएगा, आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और हाँ, इस उपाय को कभी भी आप किसी और एकादशी पे भी कर सकते हैं, इस उपाय को रिपीट भी कर सकते। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं और इस तरह की वीडियोस आप और भी आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नीचे जो रेड कलर का बटन है वहाँ पे आपको प्रेस करना है, साथ ही साथ एक बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ऑल बटन पे वहाँ पे प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने लग जाएगी। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार।